अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग जो है, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आपको मैं बहुत सी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे डिज़ाइंस दिखाने लगी हूँ साड़ी के। ठीक है, वो लोग जिनको शौक है और जो बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है मैं आप लोगों को डिज़ाइंस दिखाऊंगी। मेरे पास जो है वो शिफॉन में भी हैं, सिल्क में भी बनी हुई हैं, और जॉर्जेट में भी साड़ी है। अच्छा, और साथ में काम वाली भी हैं। ठीक है, किस तरह का आपको काम करवाना चाहिए, किस तरह का नहीं बनाना चाहिए आपको। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो देख रहे हैं, ये जॉर्जेट में बनाई हुई है मैंने। ठीक है, ये प्लेन कपड़ा लेकर ये मैंने स्टिच करवाई थी। ठीक है, ये आप देख सकेंगे, इसका ब्लाउज़ है और ये जॉर्जेट में बनी हुई है। इतनी महंगी नहीं बनी थी और ना ही इसकी ख़राब हुई है बिल्कुल भी। ठीक है, इसको तकरीबन साल होने वाला है, साल पहले ये मैंने साड़ी बनवाई थी। प्रिंटेड इसकी छोटी छोटी बूटी है ब्लाउज़ पे, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जॉर्जेट में बनी हुई है साड़ी। ठीक है, और इसका मैंने कपड़ा लेके इसको मैंने स्टिच करवाया था। ये आप छोटी छोटी ऊपर जो बूटी सी बनी हुई है, इसके ऊपर ये कढ़ाई हुई हुई है। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही कपड़ा लिया था, इसके ऊपर मैंने कोई काम नहीं करवाया, इसी तरह सिंपल थी साड़ी। ठीक है, और ये आगे से बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, और ये बिल्कुल सिंपल। ठीक है, और ये इसके स्लीव्स फुल स्लीव्स के साथ है ये। ठीक है, ये इसके स्लीव्स भी फुल हैं। और मैं आपको इसके नीचे की साड़ी दिखाती हूँ। ये इसकी प्लेन साड़ी जो है वो शिफॉन की नीचे साड़ी थी। ठीक है, बहुत प्यारी लग रही थी। कभी भी साड़ी सिल्क में या किसी भी दूसरे कपड़े में नहीं बनानी चाहिए, सिर्फ प्योर की साड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि फॉल सिर्फ जो है ना प्योर की अच्छी आती है। ये होगी ये प्लेन साड़ी, इसको मैंने पाइपिंग लगवाई थी। ठीक है, ये इसको मैं खोल लूँगी, पर इसको फिर टाई लगाना बहुत मुश्किल है ये आप लोग। और चले अब नेक्स्ट की तरफ चलते। ये नेक्स्ट आ गई है हमारी जी सिल्क की साड़ी है। काम हुआ हुआ है साड़ी के स्लीव्स पे, ब्लाउज़ के स्लीव्स पे काम हुआ हुआ है। नेक लाइन बनी हुई है और छोटी छोटी इसकी बूटियाँ बनी हुई हैं, और इसकी जो साड़ी है नीचे उस पर भी फुल काम हुआ हुआ है। मैं आप लोगों को डिटेलिंग में दिखाती हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जी, ये आ गया ब्लाउज़ इसका, और इसका काम भी आप चेक कर सकते हैं, इतना नफीस इसके ऊपर काम हुआ हुआ है। ये मैंने बनवाई थी किले पे से, बनवाई 30,000 की बनवाई थी। ठीक है, क्योंकि इसके ब्लाउज़ भी फुल भरा हुआ है, इसके स्लीव्स भी, और इसकी साड़ी भी मैं आपको दिखाती हूँ, उस पर भी फुल काम हुआ हुआ है। ये देख सकते हैं, ये 30,000 की मैंने बनवाई थी। आप इसका काम चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा हुआ हुआ है। ये ब्लाउज़ की फ्रंट साइड है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका डाल दूंगी शॉप का एड्रेस, आप वहाँ से जाके बनवा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने 3 साल पहले बनवाई थी ये वाली साड़ी। और ये आ गया ब्लाउज़ का, ब्लाउज़ की बैक साइड आ गई। ठीक है, ये आ गई है इसकी साड़ी, अब मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। ठीक है, ये आ गई है जी इसकी, यहाँ पर ये फॉल है इसकी। ठीक है, इसके नीचे सारी फॉल पे काम हुआ हुआ है। ये देखें, ये इसकी ये, ठीक है, पूरी साड़ी आप चेक कर लें, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। ये मैंने सारी जो है ना तह लगा कर रखी हुई थी ये, और जो है ना ये इस तरह से इसका वर्क हुआ हुआ है। ठीक है, ये सारा देख लें, लास्ट में ये इस तरह का बॉर्डर बना हुआ है, ये वर्क है इसका। ठीक है, माशाल्लाह बहुत प्यारी। और साड़ी हमेशा जो है ना डार्क कलर पे अच्छी लगती है, आप जब भी बनवाएं डार्क कलर पे बनवाना। ठीक है, ये रही जी फाइनल लुक हमारी साड़ी की। ठीक है, ये रहा ब्लाउज, ओके, और ये रही इसकी साड़ी, वो ब्लाउज, ये रही साड़ी। ठीक है, ये जामावार की साड़ी है, इसको 8 से 9 साल हो गए तकरीबन, तो ये तब मैंने बनवाई थी। और ये रहा इसका ब्लाउज जामावार का, इसकी फॉल बिल्कुल अच्छी नहीं आती, जामावार तो बिल्कुल भी नहीं बनवानी आपने, मेरी शादी की साड़ी है। ठीक है, ये इसके ब्लाउज है, और ये मैं आपको इसकी भी डिटेलिंग में दिखाती हूँ। और ये इसका, ये मैंने 5,000 के गुजरांवाला से ली थी, ये इसकी साड़ी है। ठीक है,
तो चलो यार मैं अब आपको इसकी डिटेलिंग वीडियो दिखाती हूँ। ये इसका जो है ना प्रिंटेड ब्लाउज है जमावार का, और इसके जो स्लीव्स हैं इसके ऊपर मैंने साड़ी में से जो कपड़ा बचा था वो लगवाया है, ठीक है। तो और इसकी जो शर्ट की बैक साइड है वो भी प्लेन है ऐसी जमावार की, ठीक है। ये जी इसकी साड़ी है, ठीक है। ये इसका ये नीचे से ऐसे बॉर्डर बना हुआ है, ये इसकी फॉल, ये इसका पल्लू है, ठीक है। सारा पल्लू ऐसी है, इसके ऊपर सितारा वर्क हुआ है। ये इधर से, ठीक है। अब जो मैं आप लोगों को साड़ी दिखाने जा रही हूँ ना, मैं आप लोगों को उसमें बताऊंगी कि जो काम वाली साड़ी होती है आप उसको किस तरह से जो है वो रख सकते हैं पैक करके, ठीक है, ताकि उसका काम ना काला हो, और किस तरह आप उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप उसको सेव करके रख सकते हैं। मेरे पास एक रेड कलर की साड़ी है जो मैं अब आपको दिखाऊंगी, वो उसका काम गोल्डन काम है, तो अक्सर जो है ना काम सिल्वर या गोल्डन वो ब्लैक हो जाता है। उसको मैंने पेपर्स में रैप करके रखा हुआ, जब मैंने पहनी होती है उसको अच्छे से मैं प्रेस करती हूँ स्टीम आयरन से, और फिर उसको जो है यूज़ करती हूँ मैं। तो इसीलिए मैं आपको पैकिंग दिखाऊंगी, आपने उसकी पैकिंग किस तरह से करनी है। और तो चलो यहाँ चलते हैं, मैं आप लोगों को साड़ी दिखाती हूँ। वो ये मैंने जो बनवाई थी जरी पैलेस वालों से बनवाई थी, 38,000 की थी, ठीक है। और उन्होंने मेरे से 3,000 इसकी स्टिचिंग के पैसे लिए थे, और टोटल उन्होंने जो मेरे से पैसे लिए हैं वो है 41,000 की मेरी ये साड़ी बनी थी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी पैकिंग मैंने कैसे की हुई है, और आप काम वाले कपड़ों को कैसे सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम इसकी पैकिंग खोलते हैं। ये साड़ी है, देखें इसमें मैंने ना ये पेपर्स वगैरह इसको दिए हुए हैं, ये इसका पेटीकोट है। पुराने आपके घर जितने कागज़ होंगे ना, जिस तरह से ये बच्चों की एक्स्ट्रा बुक्स थी सबके पेपर्स पड़े हुए थे, सब मैंने इस साड़ी के अंदर दे दिए हैं। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से काम इस तरह फंसता नहीं है इसका। ये देखें इसमें तरह से ये सारे पेपर जो है मैंने साड़ी में दिए हुए थे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी ये ब्लाउज, अभी इसको सिर्फ 3-2 साल हुए हैं, तो ये देखें यहाँ से ये खराब होना शुरू हो गई है, ठीक है। आई थिंक ये पीछे से इसमें सुराख होना शुरू हो गए हैं। तो जब बंदा इतने एक्सपेंसिव कपड़े बनाता है तो उसको थोड़ी केयर से भी रखता है। चलें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाली साड़ी। ये इस साड़ी की फ्रंट साइड है, ठीक है। ये इसके ऊपर जो है स्टोन वर्क हुआ हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर ये स्टोन वर्क हुआ हुआ है, ठीक है। ये इसकी स्लीव्स हैं, देखिए हल्का हल्का सा अभी भी ब्लैक होना शुरू हो गया, लेकिन अगर आप ये ना रखते तो और ज़्यादा इसका हुआ काम जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता। और ये रही इसकी बैक साइड ब्लाउज की, इतना खूबसूरत और पहनी हुई भी माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, ये देखें, ठीक है। मैं आपको इसका भी वर्क दिखा देती हूँ, ये पूरा जाल बनवाया हुआ है इस पर, इतना इन्होंने नीट काम किया था, बहुत अच्छा वर्क करके दिया था जरी पैलेस वालों ने। इनकी मरी रोड पे शॉप है, आप इनसे बनवा सकते हैं इनका काम, और जिस टाइम पे कहते हैं उस टाइम पे जो है ना ये तैयार करके देते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी साड़ी है, ये देखिए इसका वर्क। चलो अब मैं आप लोगों को इसकी साड़ी खोल के दिखाती हूँ। ये देखें साड़ी को भी मैंने जो है ना ऐसे इसके बीच में रैपर किए हुए, और फिर इसको पैक करके रखा हुआ है। ये इसका पल्लू है, ठीक है। ये इसका वर्क, बहुत प्यारी साड़ी है। इसको मैंने पढ़े, और ये इसकी साइड पे ना ये लगे हुए हैं टसल्स छोटे छोटे, ठीक है। और ये रही ये इसका वर्क, बहुत नीट बहुत प्यारा वर्क हुआ है इसकी, फुल साड़ी एम्ब्रॉयडर्ड है स्टोन वर्क के साथ। लाइन मैं आपको फुल दिखाती हूँ, ये इसकी फॉल आ गई। मैंने इसको जो है रैप किया हुआ है ऐसे, ठीक है।
ये इसकी फॉल, ये नीचे से जो है ये, और ये इसकी, ये इसके यहाँ ऊपर से सारे इसके टसल्स ये लगे हुए हैं, ठीक है, और इसके यहाँ ऊपर भी ऐसे वर्क हुआ हुआ है ये फुल, ठीक है, ये नीचे भी इसके यहाँ पे ऐसे टसल्स लगे हुए हैं, ठीक है, और इस फुल एम्ब्रॉयडरी स्टोन्स वर्क हुआ हुआ है इस पर। और इसका ये जो लास्ट वाला है ना, ये देखें ये पल्लू इसका कितना खूबसूरत बना हुआ है, ठीक है। ये रही हमारी बड़ी प्यारी सी साड़ी, ये रही जी हमारी रेड कलर की साड़ी, और ये रहा इसका ब्लाउज, ये इसका वर्क हुआ है। ये रही हमारे पास ऑल साड़ी कलेक्शन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दें लाइक एंड शेयर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।